हेलो माइनक्राफ्ट लवर, स्वागत है तुम लोग का फैंटेसी माइनक्राफ्ट पे, जो कि जावा एडिशन की फैब्रिक मॉड पैक है और उसी को आज मैं खेलने वाला हूं एमसीपी में। तो आज की गोल है, पहले मुझे एक मिथिकल स्वॉर्ड बनाना है जो कि एमरियल का होगा। दूसरा, मुझे यहां पे एक सिस्टमिक वुल्वरीन को हराना है जो कि फायर एलिमेंट का है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, यहाँ पे भाई अगर तुम्हें डाउनलोड वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो पे अच्छे से सपोर्ट दिखाओ, तभी भाई इसमें डाउनलोड वीडियो मैं लाऊंगा प्रोबेबली दो एपिसोड के बाद। सो गाइस, अब चलते गेम प्ले पे। सो यहाँ पे मैंने अपनी बैकपैक और गेम्स की को मैंने सेटअप कर लिया है और यहाँ पे जो बायोम से ये थोड़ा सा वेनिला से अलग है, देखने में थोड़ा बहुत तुम्हें वेनिला टचेज लगेगा बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके साथ साथ गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर मुझे क्वेस्ट से याद आ गया कि मैंने यहाँ पे अपनी भाई टेबल ही नहीं बनाया क्वेस्ट वाला, यस। तो मैं अपनी क्वेस्ट वाले आयरन को भी थोड़ा बहुत अपडेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक मॉडेड क्वेस्ट भी डाल दिया, यस। तो यहाँ पे एक मॉड है जिसके ऊपर हम लोग क्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके मैं सारे मॉड्स की क्वेस्ट भी रेडी कर दूंगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पहले तो मैं अपनी वेनिला वाला बना लेता हूँ एज ऑलवेज, क्योंकि इससे मुझे एक्सपी जल्दी मिलता है। ओके, तो इससे भाई पहले तो भाई अपने को एक एक्सपी मिल जाता है। ओके, तो देन मैं नेक्स्ट क्वेस्ट भी चेक कर लेता हूँ। और उसके साथ साथ अभी मुझे भाई एक वेनिला के साथ साथ मॉडेड वाली क्वेस्ट बुक भी चाहिए, तो मैं फटाफट मॉडेड वाली क्वेस्ट बुक भी निकाल लेता हूँ। सो इससे भाई क्या हो जाता है कि मुझे एक डक को ढूंढना है जो कि रिवर के आसपास स्पॉन होता है या फिर लेक के आसपास। ओके, तो मैं उस डक को बाद में ढूंढ लूंगा और इसी डक से भाई एक बॉस भी स्पॉन होते हैं, यस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बॉस है, लिटरली भाई ये वर्ल्ड बॉसेस से भरे पड़े हैं। और यहाँ पे मुझे लगा भाई पहले तो कोई पीसफुल स्ट्रक्चर होगा, बट अभी भाई समझ में आ गया कि यहाँ पे पिलेजर की स्ट्रक्चर है और मैं थोड़ा सा रिस्क लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज तो मुझे चाहिए। और अगर यहाँ से मुझे एमरल्ड मिल जाए तो पहला भाई क्वेश्चन तो मेरा हो ही जाएगा एमरल्ड की स्वॉर्ड बनाना। ओके, और यहाँ पे मैं मर गया भाई, पीछे से एक पिलेजर आके मुझे मार देता है। तो अच्छी बात है कि मैंने यहाँ अपनी ग्रेप्स कॉल वाली इस मॉड को भी एडाउन को भी अपडेट कर लिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी ग्रेप्स को भी अभी यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो पहले तो मैं, मेरा एम था कि मैं इसको पहले यहाँ पे ट्रैप कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा इनविजिबल और जब तक इनविजिबिलिटी है और मैं भी इसके साथ ट्रैप हो जाता हूँ। सो फटाफट मैं बाहर आके भाई इसको फुल्ली ट्रैप कर लेता हूँ और मेरी इनविजिबिलिटी हट गया था तब ये भाई पिलेजर मेरे ऊपर एग्रो हो चुका है। ओके, आसपास मैं देख लेता हूँ और कोई पिलेजर है कि नहीं, और मैं यहाँ पे फंस गया था। अब जैसे जैसे भाई यहाँ से बाहर निकल के भाई दूसरी साइड से मैं चला जाता हूँ सोने के लिए, और यहाँ पे भाई रेस्ट नहीं कर सकते और इतने में एक पिलेजर आके भाई अपने को पेल देता है। और अभी पता चलता है कि एक कैप्टन है अगर मैं कैप्टन को मारूंगा तो ऑब्वियसली मुझे बैडोमैन मिलेगा, जो कि मैं अभी लेना नहीं चाहता। और मैंने फटाफट अपनी ग्रेप से सामान निकाल लिया, जो कि कोई भी यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था और मिसिंग भी नहीं है। ओके, तो फटाफट मैं यहाँ पे सुबह कर लेता हूँ और अभी के लिए तो कैप्टन मुझे दिख गया। और वहाँ पे मेरी भाई ग्रेप वाले मॉन्स्टर भी आ गया। अब जब भी मैं मरूंगा तो ये डेथ स्पॉन होगा और यहाँ पे बहुत सारे डेथ आ सकते हैं। अच्छी बात है कि इस टाइम भाई ये रैंडमली स्पॉन होते हैं। ओके, देन गाइज मैं एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। ओके, अभी थोड़ा बहुत टूल्स बना के मैं आगे की ओर निकलने वाला था कि डेथ मेरे पीछे आ गया था, तो मैंने डेथ को ही डेथ के पास भेज दिया। और राइट, तो अब बस मुझे इस कैप्टन को मारना है, बट अगर कैप्टन को मारूंगा तो मुझे बैटमैन तो लगेगा ही लगेगा। अब मैं इसमें भी भाई शक, ओरे यार इसने मुझे मार ही दिया। ओके, अभी भाई पता चले कि कैप्टन फंस चुका है और ये निकल चुका है। ओके, अभी इसको मुझे भी मारना होगा। एक मिनट गाइस, मैं अपनी सामान निकाल लेता हूँ, जब तक मैं इनविजिबल हूँ तब तक भाई फ़ायदा ले लेता हूँ। और मुझे अभी मैंने नोटिस किया कि मुझे की नहीं मिला है, तो की के लिए मैं इसके साथ फाइट कर लेता हूँ। की डू यू या मी? ओके, क्योंकि कुछ ग्लिच होगा जिसकी वजह से मुझे कीज नहीं मिला, ये एक छोटा सा ग्लिच है। ओके, एंड देन मैं इससे मार लेता हूँ, अगर मैं मर जाऊँगा दोबारा तो मुझे कीज मिल जाएंगे। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे डेथ दोबारा स्पॉन हो गया और यहाँ पे अपना पहला एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाता है मॉडिट का, जो कि डक फाइंड करना है। ओके, मैं रिवर के पास ही ये सब कर रहा था तो ये डक अचानक स्पॉन हो गया था। ओके, जिसकी वजह से भाई अपना पहला एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, और यार मुझे इसको क्लोज करना होगा तभी भाई ये बंद होगा। ओके, तो मैं अपनी क्रेप्स के पास टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एंड फटाफट इसे ओपन कर लेता हूँ एंड सारे सामान मैं उठा लेता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ या तो मैं भाग सकता हूँ, बट मैंने भागना ही चूज़ किया। ओके, देन गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक विलेज पे और विलेज के आसपास तो घर बार सब कुछ था, सो मैं सोच रहा कि यहीं पे रह जाऊँ। और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा था एंड पता नहीं कहाँ से ये आ गया सेंटर। ओके, सर्टर। ओके, सर्टर कहाँ से भाई आ जाते भाई? ओके, ये सर्टर जो भी है भाई साहब, ये लोग बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं तो इन लोगों से मैं पंगा नहीं लेने वाला। ओके, तो जैसे मैं थोड़ा बहुत सामान यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, फूड रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रहा है मुझे, एक ही पे भी भाई एमरेल या फिर गोल्ड कुछ नहीं मिला।
ओके, दो या चार एमरेल मुझे मिला है, सॉरी ब्लेजर के वहाँ से मैंने चार एमरेल मैंने छापा है, सॉरी। ओके, ये मैं बोलना भूल गया था, आई मीन मुझे गोल्ड चाहिए, एमरेल तो आ चुका है, गोल्ड आ जाएगा तो मैं उस स्वॉट को बना सकता हूँ। ओके, मेरे को यहाँ पे भाई मिमिक की हार्ट मिला था, और जल्दी से मैं इस जगह पे सो जाता हूँ, और ये जगह काफ़ी अच्छा है तो मैं रहने के लिए इसे यूज़ करने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ टेस्ट करने वाला हूँ, तो ये मिमिक की चेस्ट अगर मैं से भाई हिट करूँगा तो यहाँ पे मिमिक स्पॉन होगा एज एम सी और। ओके, और ये स्पॉन होती मेरे पीछे लग गया भाई 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 भाई, एंड मुझे मार भी दिया। अरे यार अभी दिक्कत हो गया, और लकीली भाई पास वाले ग्रेप्स से पास वाले ग्लास हट गया था मेरे ग्रेप्स की वजह से। ओके, इस ग्रेप पे कुछ सिचुएशन कुछ सिस्टम है जिसके वजह से भाई ग्लास हट जाएगा। ओके, एंड मैंने इस मिमिक को भी मार दिया और इससे मुझे मिल गया मिमिक हार्ट, तो फटाफट मैं इस हार्ट को कंज्यूम कर लेता हूँ और इससे मुझे मिलता है रीजनरेशन, तो ये अच्छी बात है बट बुरी बात है भाई, इतनी ओपी चीज़ को भाई खाना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ के कॉबलस्टोन निकाल लेता हूँ भाई, इन्हीं से भाई अपना अचीवमेंट कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, और थोड़ा बहुत अपने को एक्सपी मिल चुका है, ये एक्सपी वाला सिस्टम अच्छी है। ओके, एंड पता नहीं मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज मिल रहा है, कोई स्काई से गिर रहा है, क्या हो रहा है, बट मुझे आसपास से कुछ दिख नहीं रहा था, और यहाँ पे मुझे कुछ पीसेस मिल रहा था, अब इन्हें किसने मारा पता नहीं, शायद से यहाँ पे कोई दूसरा मॉब स्पॉन हुआ, और आई गेस मुझे पता चल चुका है। ओके, किसी ने मुझे भाई फायर एरो से मारा है। ओके, और मैं वहाँ से दूर हट चुका हूँ, अभी भाई मुझे समझ में आ गया मुझे एक सील की ज़रूरत है, और सील के लिए मुझे आयरन चाहिए, और आयरन के लिए आई एम सॉरी आयरन गोलम तुझे मुझे मारना होगा, भाई तुझे मारना होगा। ओके भाई साहब इतना भाई, ओके भाई बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था आयरन गोलम के ऊपर। ओके, एंड मैंने फटाफट अपनी एक आयरन की क्या बोलते हैं पिकैक्स और एक सील्ड बना लिया है, तो अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छी खासी ओर मिल जाए तो उसे भाई तोड़ सकते हैं, एंड अभी देखते हैं भाई इस वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे लिए। आज डंजन तो काफ़ी कम है। ओके, आई गेस मुझे भाई सारे डायमंड नीचे से माइन करके लेना होगा। ओके, जल्दी से मैं एक ये बना लेता हूँ लेदर की बैकपैक, क्योंकि इसके मदद से भाई मैं अपनी बेकार के सामान को यहाँ पर रख सकता हूँ। एटलीस्ट भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इन बेकार के सामानों से, और मैं फटाफट मैं इस जगह को भी बंद कर देता हूँ भाई साहब, लावा हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, चलो ये भी एक अपग्रेड का आ गया, चलो अभी यहाँ पे इसको भी जल्दी स्मेल्ट कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी सारे आयरन्स की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अभी तक आर्मर नहीं बनाया, इतने अंदर मैं आ चुका हूँ, बिना आर्मर के मैं इतने अंदर क्यों आया हूँ पता नहीं। ओके, एंड यहाँ पे भाई एक जॉम्बीज को ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा है। ओके, अब शायद तुम लोग साफ साफ देख पाओगे। ओ भाई अबे जल्दी मर जा, ओ ये जॉम्बी आई गेस इसी के लिए आया है। देखो इसके रॉटन प्लेस अगर मैं इसे भाई दूंगा तो ये टेम हो जाएगा, यप्स तो ये काफ़ी इजी हो गया। ओके, और ये रैंडम टाइम पे ओर्स को माइन करते हैं, यस जैसे भाई मैं ओर्स को माइन कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही ये ओर्स को माइन करता है। इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, बाकी भाई अभी दिखा सकता हूँ साइड से। ओके, अगर ये मेरे पास आए तो भाई दिखाऊँ, ये मेरे पास बहुत कम आता है। ओके, आ गया फिर से, उप्स इसने भाई काम कर दिया, ये देखो इसने छोटा सा एक एरिया माइन कर दिया है, और यहाँ पे लाइट भी आ चुका है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ और इसको अपडेट कर लेता हूँ आयरन बैकपैक पे। ओके, और आयरन बैकपैक अलग भाई स्टोरेज है, और लेदर बैकपैक अलग स्टोरेज है, और चाहूँ तो मैं लेदर के अंदर आयरन को भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे थोड़े और आयरन स्मेल्टिंग के लिए दे देता हूँ, और मेरे पास गोल्ड तो आ चुका है तो इससे मैं बना लेता हूँ एक एमरल स्वॉर्ड। तो फर्स्ट क्वेस्ट भाई अपना कंप्लीट हो चुका है, दो ही क्वेस्ट है अपना, पहला मेन मेन क्वेस्ट, तो भाई ये तो भाई बन चुका है अपना एमरल की मिथिकल स्वॉर्ड, देख सकते हो 3D स्वॉर्ड है, काफ़ी सही लग रहा है हाथ में। ओके, 3D सामान की भाई अलग ही बात है, और अभी मैंने नोटिस किया कि मेरे आसपास दो बॉस स्ट्रक्चर है, उस साइड पे एक चर्च है और यहाँ पे एक ओवरडिन है, चर्च पे नहीं जाना चाहता क्योंकि एक इसका एक क्वेस्ट है भाई, अभी जाऊँगा तो भाई वो क्वेस्ट नहीं होगा। सो चेन सिस्टम है, और मैं इसको बस देखने के लिए जा रहा था और ये स्पॉन हो गया। अबे यार मुझे लगा ये जावा एडिशन की तरह सो के पड़ा रहेगा, मैं बस देख के आ जाऊँगा, वैसे जावा एडिशन में भी सो के नहीं पड़ा रहता है। ओके, और इसने मुझे मार दिया, बहुत बढ़िया। ओके, सामान खोने का तो डर नहीं है, बाकी गाइस मैं थोड़ा बहुत मर के अपने सामान यहाँ से ले रहा हूँ, ये अपने सिर के ऊपर ही घूम रहा है। ओके, जल्द से ओपन कर लेता हूँ। ओके, सामान मिल गया मुझे, नाइस नाइस नाइस। ओके, सारी चीज़ें पहन लेता हूँ,
और राइट गाइस, तो अब मैं आ चुका अपनी विलेज पे और ये भी मेरे साथ विलेज पे आ चुका है और अभी मैं सोच रहा हूँ इन्हें मारने की इसको। देखो मेरे पास तो सामान अभी कुछ खास नहीं है, बाकी मेरे पास आयरन आर्मर है थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देने के लिए, और जो स्वॉर्ड मैंने भाई बनाया था उसको भी मैं यूज़ करूँगा। ये इस स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इससे भाई 7 अटैक डैमेज मिलता है, डायमंड जितना ही है, बाकी उतना ज़्यादा ओपी नहीं है। ओके डायमंड से थोड़ा कम 7 है। ओके ये आयरन और डायमंड के बीच का है, चलो कोई नहीं, बीच से भाई काम कर लेंगे। काश यहाँ पे एमरल्ड का आर्मर भी बना पाता था, क्योंकि यहाँ पे विलेज है तो विलेजर से तो भाई एमरल्ड तो मैं कमा ही सकता हूँ आर्मर बनाने लायक। ओके ओके ये उड़ उड़ के बार बार भाग रहा है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। और ये क्यों बीच में आ रहा है भाई सब, तुम लोग भाई बीच में मत आओ, ये हैरी पॉटर वाले मॉब्स ना बहुत दिक्कत देते। ओके ओ इसकी मीट मिला, आई गेस ये काम का होगा। ओ ओ ओ ओ भाई ये क्या है भाई, थोड़ा भी हर्ट नहीं था, चलो कोई भी हो, आई थिंक ये लोग जावा के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे भाई हर्ट 0 पे आने के बाद भी मरते नहीं है, 0 के नीचे जाने के बाद मरते। बट वो चीज़ भाई पॉकेट एडिशन पे उतना खास तो सेंस नहीं बना था। ओके 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 भाई 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 भाई, भाई ये थोड़ा पास आ जा, इसका सिस्टम मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया है और मैं मर गया भाई साहब। ये बीच बीच में नॉक बैक देता है, उससे बच के रहना होगा, इसके नॉक बैक बहुत खतरनाक है। ओके दोबारा से ये नीचे आ रहा है एंड दोबारा से भाई ऊपर की ओर भाग रहा है, भाई इसका क्या सिस्टम है और यहाँ पे क्या लिख क्या रहा है, स्काई से कुछ गिर रहा है, पता नहीं क्या गिर रहा है, मुझे तो अभी तक कुछ दिखा है। ओ ओ ओ दिख गया ओके समझ गया था इसका क्या सिस्टम है, और इन चीज़ों की अगर मैं पास जाऊँगा तो ब्लास्ट ज़रूर होगा, आई गेस ऐसा ही काम होगा। ओके मैं बहुत देर तक इसके साथ फाइट कर रहा हूँ और फाइनली ये अब मरने वाला है। यस बस ये थोड़ा सा हिट की मेहमान है, बस ये थोड़ा सा सही से हिट लगे, अगर मैं नीचे देखते देखते जाऊँगा ये पीछे आएगा या आई एम श्योर। ओके मर गया। हो भाई साहब इतनी देर के बाद एंड इतने अभी थोड़े बहुत एसेंस वेसेंस ड्रॉप किया है। ऑलराइट सो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं एंड डाउनलोड वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अरा अरा साइन अरा।